Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. ना मैंने नहीं जाना उनके पास, कुछ नहीं होता जी। अभी तो पिछली मिठाई के मीठे टकार आ रहे हैं मुझको। I didn't know that। बैड भी होता ना तो उन्होंने दे मारना था। कुछ अरसे में ना मैं नसरीन की शादी में कोरमा खा रहा और उसकी मेहंदी भंगड़े डाल रहा। तू कैसी बातें कर रहे हैं, मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं, इससे भी ज्यादा होगा। थोड़े अरसे में ना उसके बच्चे मुझे मामू मामू कह रहे होंगे। अच्छे नहीं, बहुत अच्छे हैं। और ये देख, नसीन के लिए चूड़ियां भी भेजी हैं उसने। ओए अल्लाह का दिया, सब कुछ है हमारे पास, क्या जरूरत थी ये चीजें लेने की। मैं तुम लोगों को पहले बता दूं कि मलक शहर जैसे अगर मेरी शादी हुई ना तो मैं उसका सर पार दूंगी। शादी से पहले की शादी के बाद? शादी से पहले भी, शादी के बाद भी। ओ यार मैं क्या करूँ, मुझे इससे ऐसी बातें नहीं होती, मुझे शर्म आती है। शर्म कैसी? ओ यार अपनी शादी की बात खुद ही कौन करता है? इफू पहले नहीं की थी? की बात और है, वो तो बचपन से ऐसी बातें कर रहा है, मुझे शर्म आ जाती है। फिर इस तरह तो कुछ भी नहीं होना। नहीं नहीं, विफू गया है ना उनके घर बात करने, वो कह रहा था कि अगर मॉल शॉल बना तो एक आधा वाई फायर करके आएगा। सैमा मैं घर पर हूँ और किधर हूँ। बात सुने, मलिक शहरयार ने ना मम्मी और नसरीन के लिए चूड़ियाँ और झुमके भिजवाए हैं। अच्छा, तो तुम्हें मुझे गिल्टी फील करने के लिए कह रही हो या वैसे ही कह रही हो? नहीं नहीं, मैं आपको इसलिए बता रही हूँ कि नसरीन ने ना वो चूड़ियाँ वापस कर दी हैं, मुझे बहुत डर लग रहा है। तो मुंशी जी, वो एक जमीन के कागजात बनवाने हैं मेरे नाम के। कौन सी जमीन? वो नहर के पार ताजपुरे वाली। वो तो मलक इकबाल की नहीं? हाँ तो हेलो, हाँ मेरे पास टाइम नहीं है भाई। क्या तुम्हारे पास टाइम नहीं है? जनाना आवाज? जनाना नहीं, नसरीन की आवाज है। हेलो, इधर मेरा रो रो के अशर हो गया और आपके पास बात करने का टाइम ही नहीं है। जो कल फैसला करना है वो आज कर ले, वो अपनी कम से कम तैयारी तो शुरू करे। वैसे चाची, चाचा सही कह रहे हैं, मेरे ख्याल में तो अपना ख्याल अपनी शादी में जाहिर करना चाहिए। माँ साहब, ये मेरी शादी है, इसे मेरे तरीके से होने दें। लेकिन मुझे ये फैसला मंजूर नहीं है। क्या क्या, क्या? ये क्या कह रही है तू? वही कह रही हूँ जो आप सुन रही हैं, मुझे ये शादी मंजूर नहीं है। पागल तो नहीं होगी तू? अगर अपनी मर्जी बताना पागल होना है तो हाँ हूँ मैं पागल। मगर क्यों बेटा? क्योंकि मुझे इससे शादी नहीं करनी। आपने एक बार भी बात पक्की करने से पहले मुझसे पूछा है कि नसरीन तेरी मर्जी क्या है। समझ गई मैं, ये सब कुछ सैमा ने तेरे दिमाग में डाला है, उसने पट्टी पढ़ाई है तुझे। उसने मेरे दिमाग में कुछ नहीं डाला, ये तो मैं शुक्र अदा करती हूँ कि उसने मुझे होश दिला दी। आप मुझे कोई बकरी समझती हैं जो पहले इफू के खूंटे से बांध दिया और अब आप मुझे मलक शहरयार के साथ चलता कर रहे हैं। ना तो तू क्या चाहती है, तेरी शादी शहजादा चालीस के साथ करूं? चालीस नहीं, प्रिंस चार्ल्स, आई मीन शहजादा चार्ल्स। अच्छा बेटा बता फिर तू चाहती क्या है? मैं इससे शादी नहीं करूंगी। ना तो किससे करेगी? मुद्दे से। क्या ये क्या कह रही है चाची? तेरा दिमाग तो ठीक है? क्यों, भला उसमें क्या खराबी है? खानदानी है, आप लोगों का देखा भला है और मुझे पसंद भी है। मैं ये नहीं होने दूंगा। तुमसे किसी ने पूछा है? चाचा आपने मुझे जुबान दी है। हाँ बेटा, पर वो ना देख, वो पहले आपने मुझे सायमा की दफा धोखा दिया और अब मैं ये नहीं होने दूंगा। मेरे भाई, ना ही तुम मुदे हो जिसने इससे शादी करनी है और ना ही तुम उसकी डैडी हो जिसने इसकी शादी करानी है, तो फिर टेंशन क्यों ले रहे हो? चाचा चाचा आप कुछ बोलते क्यों नहीं? अब पुत्र मैं क्या, मैं अब्बा अपनी पांजी की बारी तो आप पूरी बरादरी के आगे खड़े हो गए थे और अपनी बेटी की बारी आप मुझसे पूछेंगे तक नहीं। तू चुप करती है कि एक लगाऊं तुझे? और ठहर जा, हाथ नीचे कर। शहरयार पुत्र, और तू जा, हम लोग तुझे एक दो दिन में अपना फैसला बता देंगे। क्या? हाँ हाँ यार, हम तुझे इतला कर देंगे। चाचा बड़े मलक साहब को आपकी ये बात? और बाहर में गया है मलक, और बेटी उसकी है या मेरी? मलक, dude, this is so cool, it's a real life drama। मलक साहब बात, और तू भी चुप कर, अगर तूने ज्यादा टर्टर की ना तो इसके साथ में तुझे भी तोड़ दूंगा। चाचा मलक शहरयार को आज तक किसी ने इनकार नहीं किया, इसलिए मैं इनकार कर रहा हूँ। दोबारा जा,
तूने मलक शहरयार का असल रूप नहीं देखा भी। क्यों, तू असल में रूना लैला है? तुम सबको देख लूंगा। ओ जा देख लेगा बड़ा आया तू। आ कद्दू, हम भी तुम्हें देख लेंगे। क्या समझते हो तुम, हाँ अकेली बदमाश हो तुम, हम नहीं बहुत बड़े बड़े। चुप कर इधर। चलिए मैं चलता हूँ, खुदा हाफिज़। हैं? अपने वहां से मलिक शराय चला गया। इसका मतलब है वो वहां से चले ही गया। इतनी बेइज्जती के बाद तो जाना नहीं था, और क्या करना था? खुशी बड़ी कंट्रोल नहीं हो रहा इसका। मुदा भाई अब आप खुश है ना? इतना तो कोई जिंदगी में नहीं लगा ले कितना खुश हूं मैं। शुक्र है आप खुश तो हुए ना, अब आप सुकून से शूट करवाना। अरे देखिए मैं कैसा शूट कराता हूँ। थैंक्स मुदे, पर तूने पहले एक और काम करना है। क्या रोल लेकर आना मार्केट से? जाके अम्मा से बात करनी है। क्या मतलब? तुम्हें जल्द अज जल्द जाके अम्मा से बात करनी है, ताकि वो जाके चचा इकबाल से बात करे। पागल हो गया? मतलब कि मैं हुफा से कहूं कि वो मेरे रिश्ते की बात करें? जी क्या हो गया, मैं ये नहीं कर सकता भाई। देखो जो मैं कर सकता था मैंने कर दिया, अब शादी तुम्हें करनी है इतना तो खुद कर लो यार। देखिए आपने जब इतनी बातें की हैं वहां पे ये भी कर लें, आप वैसे भी फॉर्म में हैं आजकल। नो मत यार, मैं थोड़ी कॉन्फिडेंस पैदा करो, मुफ्त की खाने की बहुत आदत हो गई तुम्हें। जाति कर रहे हो तुम? मैं जाति नहीं कर रहा, मैं ये नहीं कर सकता, बहुत कम मुकाबला सख्त है, जाके शूट करनी है। और हाँ बात जल्दी कर लेना, इससे पहले कि जाके उनको उन लोगों से पता चले। मामले मेरा कोई तजुर्बा नहीं। वैसे ये सब कुछ तुमने बोल कैसे दिया? बोलती ना तो और क्या करती भला। अरे मेरी तो मलिक शहरयार के सामने आवाज ही बंद हो जाती है, इतनी भी वो बला नहीं है कोई। कभी कभी तो मुझे मामा जी की बेटी कम धर्मेंद्र की बेटी ज्यादा लगती हो। अच्छा चल चल ज्यादा बातें ना कर। वैसे ना सहमा अगर आज मैं बोलती ना तो तारीख ले गया था मेरी ब्याह की। वो नसरीन पुत्र बेटा वो अब बैठ बैठ तू। मैं भी आई। अब वो बेटा देख अब्बा, तूने अगर मुझे डांट रहा है ना तो बेशक डांट दे, लेकिन मैं तुझे बता दूं कि मैं शर्मिंदा कोई नहीं हूँ, मैंने कोई नहीं शादी वादी करनी मलक शहरयार से। अब पता है बेटा, पता है मुझे, बल्कि अब तो उसे भी पता चल गया होगा। अब्बा तू मुझसे नाराज नहीं है? नहीं पुत्र मैं नाराज नहीं हूँ तुझसे, बल्कि तूने तो मेरी आंखें खोल दी हैं। सच्ची अब्बा? हाँ पुत्र, वो क्या है ना कि तेरी माँ और वो बड़े मलक की बातों के बीच में आ गए, मैं तो ये भूल ही गया था कि वो शहरयार मलक किस किस्म का घटिया और बदमाश इंसान है। सोचें भला इस तरह के आदमी से भला कोई ब्याह कर सकता है? अच्छा बेटा वो महमूद चीमा जैसे इंसान से बंदा शादी करता है? वो अब्बा वो तो भाई चलिए, तूने मुझे पहले क्यों नहीं बताया था? कोई पूछता तो मैं बताती ना अब्बा, बल्कि एक दो बार तो सहमा ने भी बात करने की कोशिश की है, लेकिन ना एन टाइम पे अम्मा आ जाती है। वो तेरी माँ तो एन टाइम पर ही आई है हमेशा। जी और कुछ नहीं है? कुछ नहीं पुत्र कुछ। अब्बा तू नाराज तो नहीं है ना मुझसे? नहीं पुत्र मैं नाराज नहीं हूँ। अच्छा तू बता तू खुश है ना? हाँ अब्बा, लेकिन ना अम्मा। ओए अम्मा को छोड़, वो अम्मा की धौन पे मैंने एक लगानी है तो वट शट सारे निकल जाने हैं उसके। बार बार फोन करता रहता है ये। कौन? मंजर साहब। तू उठा लेना। कोई नहीं, खावा खा भी टेंशन डालेगा, बार बार रट लगाई दिए कि यार शूट की तैयारी पूरी है, शूट की तैयारी पूरी है। मैं एक दफा कह दिया कि मैं रेडी हूं तो वो समझ जाए ना यार। समझता क्यों नहीं? मुफ्त का फोन जो मिला हुआ है, ऑफिस में कोई काम तो करना नहीं है, बस बार बार फोन करके ये जाहिर करना है कि बिजी है। नहीं उठाऊंगा तेरा फोन, नहीं उठाऊंगा। बड़ा केले केले सर्दियां खाई जा रही हैं। तू भी खा ले। क्या हुआ? धोबी से कपड़े आए हैं, इस दफा फिर दो कुर्ते फाड़ दिए। लो हो गई गल। क्या? कुछ नहीं, वो चले बात करनी थी, मैं बाद में कर लूंगा। नहीं नहीं बता। नहीं अभी आपका मूड सही नहीं है, इसलिए बाद में कर लेंगे। ओ, मेरे मूड को गोली मार। तू बता क्या बात है, ये धोबी का ड्रामा तो रोज ही होता है। धोबी है कुमकुम क्या? खैर असल में ना मेरे साथ एक बड़ा अजीब सा किस्सा हो रहा है पिछली दो को रातों से, और मुझे कुछ समझ नहीं आ रही खास इसके बारे में। क्या? पिछली दो को रातों से बड़े अब्बा जी मेरे ख्वाब में आ रहे हैं। अच्छा
तो और क्या, पहली रात तो मैं समझा कि अब्बा जी शायद गलती से इधर उधर निकल आए हैं, मगर दूसरी रात फिर दोबारा। सच्ची क्या कह रहे थे? ना पूछे, वैसे अजीब ही को बातें कर रहे थे। बता तो सही क्या कह रहे थे? छोड़े जी, वैसे पुप्पो आपस की बात है, बड़े अब्बा जी की भी दिमागी हालत की कोई गारंटी नहीं रही है अब। क्यों? अब मेरे पीछे पड़ गए कि तूने शादी नहीं करनी। अच्छा? हाँ जी, दो रातों में पूरे दो दो घंटे के सेशन लगाए उन्होंने, और जिद्दी तो आपको पता है कि बड़े अब्बा जी कितने थे, जाने का नाम ही नहीं ले रहे थे ख्वाब से। वैसे कह तो सही रहे मुझे। और मैं जानता हूँ पुप्पो, इंसान ने शादी करनी होती है और मुझे इस बात का एहसास है, मगर इसका मतलब ये तो नहीं ना कि आप ख्वाबों में आके प्रेशर डालें। कह तो तुम भी ठीक रहा, पर बड़े अब्बा जी ने कोई रिश्ता भी बताया? बताया ना, और मैंने तो सुनते साथ इनकार कर दिया भाई। क्यों, कौन थी? छोड़े जी, बस मिट्टी डालें। बता तो सही, अगर बड़े अब्बा जी कह रहे हैं तो कुछ ठीक ही कह रहे होंगे ना। अब मैं क्या बताऊं आपको, किसका कह रहे थे? नसरीन का। हाँ, हैं? नसरीन का ना। बड़े शरारती हैं बड़े अब्बा जी, वो आपके ख्वाबों में भी आ रहे हैं। वो कह रहे थे कि नसरीन ने सबके सामने शहरयार से शादी करने से इनकार कर दिया, अब वो इस इंतजार में है कि कब तू मुझे बताए कि तू उसे पसंद करता है। ये सब आपको बड़े अब्बा जी ने बताया? इफ्फू ने बताया। मुझे इफ्फू ने सब बता दिया कि क्या हुआ है, और मुझे तू नहीं बता सकता था? अब मुझे शर्म आ रही थी, बाकी सारी बातें कर लेता है और ये बताते हुए शर्म आ रही थी। अब वो बंदा अब अपने मुंह से अपनी शादी की बात करते तो अच्छा नहीं लगता ना। अच्छा चल, अब शर्मा ना, जाओ इकबाल भाई की तरफ। मूड है तो निकल जाए, वरना SMS भेज दे। चल, ज्यादा ना शर्माया कर। बड़े चला गए आप। अच्छा, मुझे भी नहीं पता है भाई। तेरी पेटों की बात देती है क्या? ये भी है। हाँ, मसला है, इस मंदर साहब को नहीं उठाऊंगा, नहीं उठाऊंगा मैं इसका वोट। तो कैसा रहा? रहना कैसा, अच्छी खासी शर्मिंदगी होगी, ऊपर से मैंने हमें बड़े अब्बा जी कंधे पे रख के बंदूक चला दी। यार ये खाब में आकर दबाने वाली बात तो नहीं, खूब चुकी है, इतना चीप तो हो नहीं सकता था। और क्या कहता? वैसे अब खाला जी क्या करेंगे? कुछ भी नहीं, जाकर लोगों से बात करेंगे और क्या। सोचने वाली बात है क्या, मलक शेर यार पर क्या गुजर रही होगी? क्या मतलब है मलक साहब, इंतजार करो, इधर मेरी इज्जत का जनाजा निकल गया, आप कह रहे हैं इंतजार करो। हाँ हाँ, जानता हूँ किससे बात कर रहा हूँ, आपने भी सुलह कराई थी अपनी तरफ से, अब बस बस अपनी तरकीबें अपने पास ही रखें, मैं आप ही सांभ लूंगा, रब रखा। क्या हुआ जनाब? वो कहते हैं कि जी इंतजार करो, इधर एक एक पल मुझे बढ़ने को आ रहा है। आप फिक्र ना करें जनाब, बड़े मलक साहब से कोई ना कोई अच्छी तरकीब हमें मिल जाएगी। अब पहाड़ में गई उनकी तरकीब, सुलह कराई थी, इंजाम देख लिया उसका, लेकिन अब हम क्या करेंगे? और तू फिक्र ना कर मीते, अब ना मैं खुद आराम से बैठूंगा ना किसी को आराम से बैठने दूंगा। मलक शहरयार नाम है मेरा, मलक शहरयार। हेलो इफ्फू, तुम फोन क्यों नहीं उठा रहे? अरे मंजर साहब, ये तो आपका नंबर नहीं है। जानता हूँ, क्योंकि मेरा नंबर तो तुमने उठाना नहीं है। एक कॉल तो अटेंड कर सकते थे ना। 50 दफा मैंने कॉल की है, इतनी दफा तो मैं अपनी बीवी को नहीं करता जी, इसलिए आज तक आपके साथ है। सब कुछ लाइन अप है, सब कुछ रेडी है, शूट तैयार है और मुदा भी तैयार है। मुदे का नहीं, सोनिया शाह का मसला है। क्यों, इनकार कर दिया उसने गांव वाली शूट करने से? मॉडल्स होती है ऐसी है सर। वो इनकार नहीं किया, वो इतनी एक्साइटेड थी कि लाहौर से आज ही तुम्हारी तरफ निकल पड़ी है। क्या? हाँ ना, यही बताने के लिए तुम्हें कॉल कर रहा हूँ। लेकिन सर, मैंने तो उसे शूट की सुबह लाहौर से पिक करना था। जानता हूँ यार, लेकिन गाँव का सुनकर वो इतना एक्साइटेड हुई, कहने लगी मैं ज्यादा से ज्यादा टाइम गाँव में स्पेंड करना चाहती हूँ, इसलिए वो पहले निकल पड़ी। मगर आप? मैंने तो उसे बहुत रोका है, मैंने उसे कहा वहाँ प्रॉपर अरेंजमेंट नहीं रहने का, लेकिन वो कहती मैं मैनेज कर लूंगी। यार ये, ओ भाई, जो गालियां देनी है बाद में दे देना, अभी मुझसे उसका नंबर लो, उसे फोन करो। वो पिछले आधे घंटे से किसी बस स्टैंड पर खड़ी है और मुझसे तुम्हारे घर का एड्रेस मांग रही है। What? हाँ, प्लीज उसके पास पहुंचो, अगर कुछ हो गया तो प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी। मेरे साथ ही हमेशा ये क्यों होता है? क्या नंबर है उसका? लिखो। गया किधर? पता नहीं जी, बड़ी जल्दी में थे, मैंने पूछा था, बस कह के गया मैं आ रहा हूँ। चलो एकदम मुझे
और वापस भी आ गई हैं। हाँ भाई। क्या बना? इनकार कर दिया इकबाल भाई ने। क्या? वो कहते हैं कि सैमा और नसरीन की शादी इकट्ठे करेंगे, अलग अलग नहीं। मगर क्यों? ओहो सुन तो ले मैं क्या कह रही हूँ। वो कह रहे हैं कि तेरी और इफू की साथ ही करेंगे। ओहो आपके साथ ही हो रही है, अलग अलग करने से इनकार किया सिर्फ। पहले देखा ना कैसा रंग उड़ा था इसका। हेलो हेलो जी जी हाँ जी बात करें इफू भाई। हाँ जी मुझे फौरन बाहर वाली साइड पर आ। बंदूक लेकर आऊं या वैसे ही आ जाऊं? अबे बंदूक की जरूरत नहीं है, बस तू फौरन आ। मगर हुआ क्या है? अबे तू आ तो सही, जल्दी कर। क्या हो गया? अच्छा आ गई मॉडल तो आ गई, क्या हो सकता है उसके बारे में? और क्या यार, लेकिन अम्मा का क्या होगा? फूफो का मूड बिल्कुल सही है, और वैसे भी वो अभी अंकल इकबाल के घर से आई है। अंकल इकबाल? रिश्ता जो पक्का हो गया। बहुत बहुत मुबारक हो, लेकिन अभी इस मसले के बारे में तो सोच। क्या सोचे? लड़की नीचे आपके कमरे में सो जाएगी और आप ऊपर हमारे कमरे में सो जाना ना। यार मसला सोने का नहीं है, ये तो पूरे का पूरा एक मसला है। तो क्या सोनिया शाह की जगह बिपाशा बासु निकल आई है? भाई क्या हो गया ऐसा मसला? तो और क्या? अच्छा ठीक है एक मिनट। आप सोनिया जी, सोनिया जी कम है प्लीज वन सेकंड। तो मैं एक बात बता दूं कि तुम्हारे जैसे लड़के हैं जिन्होंने लड़कियों को इंसानों की तरह बात करना छोड़ दिया और जिसकी वजह से लड़कियां ज्यादा। हाय हाय